हम इंडियंस अपने पैसों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। बीते कुछ समय में भले ही लोगों ने शेयर मार्केट का रुख किया हो, पर ज्यादातर लोग अभी भी अपने पैसों को किसी ऐसी जगह पर रखना प्रेफर करते हैं जहां पैसे डूबने का रिस्क बिल्कुल ना हो। कई वो लोग भी होते हैं जो मानते हैं कि ज्यादा के लालच में जो थोड़ा बहुत भी किसी तरह उन्होंने कमाया है वो वेस्ट ना हो जाए। अब सेविंग अकाउंट हो या FD, RD जैसे सुरक्षित ऑप्शंस ज्यादा इंटरेस्ट तो देते नहीं है, ऐसे में सरकारी बॉन्ड्स एक बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश मनी। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही बॉन्ड्स जारी करती है। ये असल में सरकार का तरीका होता है कैश की कमी और महंगाई से निपटने का। इन बॉन्ड्स के बदले सरकार जनता से पैसे लेती है। ये बॉन्ड्स एक तय समय के लिए जारी होते हैं। जितने समय के लिए ये बॉन्ड्स जारी होते हैं उतने समय तक के लिए बॉन्ड्स होल्डर को सरकार की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। जब भी सरकार को अपने किसी प्रोजेक्ट या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसों की जरूरत होती है या फिर जब सरकार को महंगाई को काबू में रखना होता है तो वो बॉन्ड्स जारी करती है। सरकारी बॉन्ड्स असल में उसे जारी करने वाले यानी सरकार और इन्वेस्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट और तय समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की बात लिखी होती है। स्टॉक ब्रोकरेज वेबसाइट ग्रो के मुताबिक सरकार अलग अलग तरह के बॉन्ड्स इशू करती है। ये बॉन्ड्स फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सरकार कौन कौन से बॉन्ड्स जारी करती है। पहला टाइप है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। सरकार ज्यादातर बॉन्ड्स फिक्स्ड रेट पर जारी करती है। उस बॉन्ड के नाम में ही उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट और उसकी मैच्योरिटी की डेट लिखी होती है। जैसे 6% JOY 2025 नाम के बॉन्ड का मतलब होगा कि बॉन्ड में जमा पैसों पर 6% का फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और ये बॉन्ड 2025 में मैच्योर होगा। दूसरे तरीके के बॉन्ड्स हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है फ्लोटिंग, बल्कि इसकी इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। सरकार बॉन्ड्स के साथ ही मेंशन करती है कि कितने इंटरवल में इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया जाएगा। अमूमन इन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट 6 महीने में रिवाइज किए जाते हैं। आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। ये बॉन्ड केंद्र सरकार जारी करती है। इस बॉन्ड्स की कीमत सोने की कीमत से जुड़ी होती है। एक गोल्ड बॉन्ड की कीमत 1 ग्राम सोने के करीब होती है। इन बॉन्ड्स की खासियत ये होती है कि फिजिकल सोने में इन्वेस्ट किए बिना आप सोने पर पैसे लगा सकते हैं। इसमें 99.9% शुद्ध सोने के हिसाब से कीमत तय होती है। आपका इन्वेस्टमेंट सोने की कीमत के हिसाब से बढ़ता रहता है। इसके साथ ही इन बॉन्ड्स पर सरकार फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देती है। अगला बॉन्ड है 7.75% JOY सेविंग बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है कि इस बॉन्ड पर सरकार 7.75% का इंटरेस्ट ऑफर करती है। इस बॉन्ड को भारतीय इंडिविजुअल अडल्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोई माइनर या फिर HUF खरीद सकते हैं। एक खास तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसका नाम है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड यानी IIB। इन बॉन्ड्स में किया गया इन्वेस्टमेंट और उन पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होता है। ये बॉन्ड इन्वेस्टर्स को महंगाई की वजह से होने वाले नुकसान से बचाता है। इनके अलावा कॉल और पुट ऑप्शन वाले सरकारी बॉन्ड्स भी जारी किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स के साथ ये ऑप्शन होता है कि इसे जारी करने वाले यानी सरकार इसे वापस खरीद सकती है, वहीं इन्वेस्टर इन बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। इसी तरह जीरो कूपन बॉन्ड्स भी सरकार जारी करती है। इन बॉन्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बॉन्ड्स डिस्काउंटेड प्राइस में ही जारी होते हैं, पर इन्हें बेचने पर इनकी पूरी कीमत मिलती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स रेगुलर इनकम का एक जरिया है। RBI के नियमों के मुताबिक सरकार के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट को तय समय पर इन्वेस्टर्स को दिया जाए। ये तय समय बॉन्ड्स के नियमों में लिखा होता है, किसी में 6 महीने, किसी में 3 महीने तो किसी में साल भर। इस वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं जो अपने पैसों पर रेगुलर इनकम भी कमाना चाहते हैं।
इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट होना जरूरी नहीं है, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी इन बॉन्ड्स के लिए काफी है। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे कैसे जाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको वहां से एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरकर आपको जमा करना होगा। आपको बता दें कि गवर्नमेंट बॉन्ड डिजिटाइज यानी डीमैट फॉर्म में आपको मिलते हैं, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा आप अपने स्टॉक ब्रोकर से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट तो होगा ही, नहीं होगा तो आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास से ये अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने का प्रोसेस वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गेट म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड से भी सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इस केस में कौन सा बॉन्ड आपके लिए सही है ये सोचने का हेडेक आपका नहीं रहेगा, बल्कि म्यूचुअल फंड्स और ETF सर्विस प्रोवाइडर ही आपके लिए सही सरकारी बॉन्ड्स चुनकर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। इसके साथ ही आप RBI रिटेल डायरेक्ट से भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने ये सुविधा नवंबर 2021 में शुरू की है। इसके लिए आपको RBI रिटेल डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर जाना होगा, उस पर अपना रिटेल डायरेक्टरेट गिल्ड यानी RDG अकाउंट बनाना होगा। यहाँ से आप सीधे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स में पैसे लगाने का एक और अच्छा ऑप्शन है NSE, GOBID और BSE डायरेक्टरी। हालांकि ये ऑप्शंस बैंक और NBFC के प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही है। अब सबसे जरूरी सवाल, रिटर्न के लिहाज से कौन से सरकारी बॉन्ड्स बेस्ट है। अब देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर कंपैरेटिवली कम रिटर्न आता है, पर कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपको रिटर्न में जो मिले वो बढ़ती महंगाई के एट पार हो, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू सोने की कीमत के हिसाब से बढ़ेगी, और सोने की बढ़ते दाम तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बढ़िया रिटर्न पाना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं दूसरा बेस्ट ऑप्शन है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, जिनमें आपके इन्वेस्टमेंट और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है 7.5% JOI सेविंग बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स एक अच्छा रिटर्न देने वाला बॉन्ड है, जिसे रेगुलर इनकम के लिए भी खरीदा जा सकता है। आपके हिसाब से कौन सा बॉन्ड सबसे अच्छा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।